नमस्कार, मैं अनिल आपको आज चाउमीन का रेसिपी बनाने बताऊंगा, कैसे एकदम आसानी से घर पे बना सकते हैं टेस्टी जी जी और स्पेशल कुछ इस तरह के चाउमीन हम लोग बनाएंगे। ये आपको शुरू से हम बताएंगे कैसे इसका बॉईल करना है और उसमें कौन कौन से मसाले किस तरह से एकदम घरेलू मसाले डाल के एकदम चटापट चटाकेदार मसालेदार चाउमीन बना सकते हैं और इसका स्वाद ले सकते हैं आप। और लास्ट में आपको एक स्टोरी भी सुनाएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आशा करता हूँ आप अच्छे भी होंगे। सबसे पहले क्या करना है, बाजार से चाउमीन लाना है। कुछ इस तरह के चाउमीन लंबे वाले लेंगे और ये 25 से 30 रुपए में आसानी से मिल जाते हैं। हर एक अलग अलग जगह पे अलग अलग दाम होते हैं। इसके छोटा साइज आपको 15 रुपए में मिल जाते हैं, जो काफ़ी हैं एक फैमिली को खाने के लिए। सबसे पहले हम लोग पानी बॉईल करेंगे और उसमें नमक डालेंगे। 2 चम्मच नमक डाल के इसको उबालेंगे और उसके बाद उसमें 2 चम्मच हल्दी मिलाएंगे, ताकि जो चाउमीन हम उबालेंगे उसका कलर येलो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में और काफ़ी हाइजेनिक भी रहेगा। बाहर में तो बहुत कलर वाले मिलते हैं, वो आपको यूज़ नहीं करना है, तो हल्दी सबसे बेस्ट रहेगा। और हम इसको 15 से 20 मिनट तक बॉईल करेंगे और देख लेंगे, जब तक 90% या 80% तक नहीं सीन जाते हैं तब तक हम इसको बॉईल करते रहेंगे, बीच बीच में देखते भी रहेंगे कि किस तरह का ये बॉईल हो रहा है। इसको धीमे आंच पे बॉईल करेंगे, ज़्यादा तेज आंच पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही बॉईल हो जाते हैं। ये देखिए हमारे तैयार हो गए हैं चाउमीन एकदम। अब इसको क्या करेंगे कि आसानी से इसको दूसरे कंटेनर में चेंज करके और इसके जो है इसको ठंडे पानी से धोएंगे और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे भी पैन में स्पेशल अलग से। देखिए ये कुछ इस तरह का बर्तन लेंगे जिससे इसके सारे जो है बॉयल किए हुए पानी निकल जाए और केवल चाउमीन बच जाए। और भी बहुत सारे उपाय हैं इसको अलग अलग करने के लिए। जैसे इसमें आप 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे तो ये सटेंगे नहीं और एकदम अलग अलग रहेंगे। आप बॉईल करते टाइम भी डाल सकते हैं या उसके बाद भी आप इसमें ऑयल डाल सकते हैं, ये सटेंगे नहीं और एक दूसरे से एकदम अलग अलग रहेंगे। वीडियो में देख सकते हैं आप, बेसिन में इस तरह से धो लेंगे और इसको अलग से सूखने के लिए थोड़ा देर छोड़ देंगे। आप 2 चम्मच तेल या इसमें हल्का सा नमक जो बॉईल करते टाइम तो डाले ही हैं, आप इस टाइम भी चाहें तो तेल और थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए पैन में हम क्या करेंगे कि तेल ऑयल डाल के और इसको अलग से फ्राई कर लेंगे। केवल चाउमीन, इसमें मसाला नहीं डालेंगे दोस्तों, इसमें केवल चाउमीन फ्राई होगा। और फ्राई करने के बाद हम इसको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, ताकि जब हम मसाला तैयार करेंगे उस टाइम प्रॉब्लम नहीं हो कि ये फ्राई चाउमीन नहीं है। सबसे पहले हम सारे चाउमीन जितने उबाले हैं वो सब फ्राई कर लेंगे पैन में और इसको एक जगह इकट्ठा रख लेंगे। ये देखिए फ्राई हो रही है, ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, 5 से 7 मिनट फ्राई करना है इसको। और उसके बाद इस पे हम ये देखिए फ्राई किया हुआ कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट आज बनने वाला है चाउमीन। आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे और बाजी जरूर लगाएंगे फैमिली में कौन कितना खाता है। कुछ इस तरह आप इसको कढ़ाई में भी भून सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कढ़ाई या पैन में जो में भी करें। और अब हम मसाला तैयार करने के लिए ये टमाटर जो है, प्याज, मिर्च, चौमिन मसाला, लहसुन, इसको हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और इसको गर्म होने के बाद इसमें मिर्ची और लहसुन डालेंगे। जैसे कि हम बताए थे कि आपको ये लहसुन और चौमिन मसाला जो है
इसी से हम बनाएंगे, ज़्यादा मसाला का प्रयोग नहीं करेंगे तो, क्योंकि ये हाइजेनिक बन सके। लहसुन की कलियाँ डाल दिए हैं, प्याज डाल दिए हैं इसमें, और शुरू में ही हमने हरी मिर्च डाल दी थी। और उसके बाद इसको, जब तक प्याज सीझ नहीं जाते हैं तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। चलाने के बाद आप चाहें तो इसको थोड़ा देर के लिए ढक भी सकते हैं, या उसके पहले आप टमाटर डाल दें ताकि ये कढ़ाई में सटे नहीं और सब एक ही बार में अच्छे से सीझ जाए। आप देख सकते हैं टमाटर इसमें डाल दिए हैं, और नमक इसमें स्वाद अनुसार आप डाल देंगे, जितना है उतना, आधा चम्मच, एक चम्मच, जो भी हो। देखिए कुछ इस तरह के हो जाएंगे। इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा देर ढक के रहने देंगे, और ये देखिए हमारे सीझ गए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये सीझ जब जाएंगे तो इसमें हम चौमिन मसाला, कोई भी मसाला, MDH का भी आता है, राकेश, जो भी हो आपके लोकल दुकान में मिले वो जाके ले आए, और चौमिन मसाला इसमें डाल दें। अब हम आपको एक स्टोरी भी बीच बीच में सुनाऊंगा। एक बार क्या हुआ था कि दुकान वाले ने बाजी लगाई थी कि कौन जो ज़्यादा चौमिन खाएगा, 2 प्लेट खाएगा, उसको फ्री में वो पैसा नहीं लेंगे। तो बाजी लगी थी इसमें। आप मिर्च पाउडर देखिए डाल दिए, आप मिर्च पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिला लें। तो बाजी लगने पे क्या हुआ था कि दुकान वाले क्या करते थे, वो मिर्ची ज़्यादा डाल देते थे ताकि वो ज़्यादा ग्राहक खा ही नहीं पाए और चैलेंज हार जाते थे। एक बार क्या हुआ कि ग्राहक थे वही बोल दिए कि अब हम आपको चैलेंज देते हैं। तो दुकान वाले तैयार हो गए, वो बोलेंगे ठीक है। और दुकान वाले ने कम मिर्ची वाली चौमिन बनाई, लेकिन ग्राहक तेज थे और उन्होंने बोला कि आप चैलेंज में क्या हारेंगे, तो बोले मैं दुकान छोड़ के चला जाऊंगा और आप जीत जाएंगे। तो क्या किया कि ग्राहक बोले कि आप जाइए अब हाथ धो के आइए। हाथ धोने जब गए तो ग्राहक ने मिर्ची का पाउडर उसमें डाल दिया, और जो दुकानदार था वो चौमिन नहीं खा पाया और दुकान हार गया। इससे यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी के साथ गलत काम नहीं किया जाता है और कभी करना भी नहीं चाहिए। धन्यवाद। और ये देखिए मेरी चौमिन भी तैयार हो गई, और इसको आप चिल्ली सॉस, रेड सॉस, सोया सॉस, जो भी हो, आप प्याज कटी हुई, आप इसमें ऑनियन का जो लीफ होता है वो भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए चिल्ली सॉस है, जिनको चिल्ली पसंद है वो डाल के आप आसानी से सर्व करें। बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप घर पे इस कोरोना में चाउमीन खाएं, और हाइजेनिक चाउमीन है ये, आपके सेहत के लिए भी अच्छे हैं। धन्यवाद। बाजार जैसा चाउमीन एकदम बन गया है दोस्तों। आशा करता हूँ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।